हे गाइस वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं अजीत मोबाइल टेक। स्वागत है गाइस हमारे चैनल पर। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं जो है शॉर्ट वीडियो से लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूं और वो भी आपके लिए कुछ बेनिफिट लेकर आया हूं। तो गाइस क्या मैं आज का टॉपिक आज का वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिले कुछ सीख मिले। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन तक देखिएगा बिना स्किप कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्या आपको फ़ायदा देने वाला हूँ और हमारे वीडियो से आपको क्या बेनिफिट। तो गाइस आज का टॉपिक आज का वीडियो है मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास। आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा टेम्पर्ड ग्लास, काफ़ी वैरायटियाँ, काफ़ी मॉडल, काफ़ी डिज़ाइन, काफ़ी लुक। लेकिन आज जो मैं टेम्पर्ड ग्लास लेके आया हूँ, जो आपको दिखाने वाला हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ, वो कुछ हटके है, कुछ अलग है, कुछ खास है, कुछ बेटर है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो टेम्पर्ड ग्लास आप लोग जैसा देख रहे हैं गाइस मेरे हाथों में ये टेम्पर्ड ग्लास है, एकदम लेटेस्ट अपडेट न्यू मॉडल, जो लगाने के बाद आपको मोबाइल चलाने में वर्किंग करने में इतना बेहतरीन लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते गाइस। जी हाँ गाइस, इस टेम्पर्ड ग्लास की मैं बात करूँ अगर, तो ऐसा फील होता है लगाने के बाद कि मैं ओरिजिनल डिस्प्ले में टच कर रहा हूँ। इतना स्मूथ, इतना बेहतरीन यूज होता है, वर्किंग करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, इस टेम्पर्ड ग्लास का खूबी ये भी है कि आप अपने मोबाइल में लगाने के बाद इसमें अगर इसे स्केच करना चाहते हो तो जल्दी से स्केच नहीं होगा। काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेहतरीन है, स्केच भी इसमें नहीं होता है। और भी गाइस इसमें खासियत ये है कि जब आप इसे लगाने के बाद अपने मोबाइल को आप देखते हो तो जो रिफ्लेक्टिंग करता है आपका डिस्प्ले से, कोई भी मोबाइल का डिस्प्ले से जो रिफ्लेक्टिंग लाइट करता है आँख पे काफ़ी प्रेशर देता है, जोर देता है, इस गिलास में वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। काफ़ी खासियत है इस गिलास का, टेम्पर्ड का, और मार्केट में ये अवेलेबल है, आ चुकी है और काफ़ी कम रेट है गाइस। ऐसा नहीं कि इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने टेम्पर्ड ग्लास मोबाइल में सस्ते से सस्ता लगाऊं, बेहतरीन से बेहतरीन लगाऊं। यह सही है, ऐसा सोच होना भी चाहिए कि जहां हमारा 50 रुपया की जगह अगर 40 रुपया में काम बन जाए तो मैं 10 रुपया अपना बचा सकता हूं। लेकिन गाइस ये भी है कि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि अगर हमारा मोबाइल 20,000 का है तो मैं उसमें कोशिश करूंगा कि जितना कम से कम टेम्पर्ड ग्लास प्राइस का हो उतना मैं यूज करूं, जितना कम से कम प्राइस का बैक कवर हो उतना कम प्राइस का मैं बैक कवर यूज करूं। लेकिन गाइस काफ़ी लोग ऐसा करने के कारण एक गलती कर बैठते हैं। क्या वो गलती क्या कर बैठते हैं गाइस, कि अपने मोबाइल का बैक कवर पीछे सस्ता लगा लेते हैं, जिसके कारण मोबाइल के बैक पैनल में काफ़ी स्केच आ जाता है और वो स्केच कभी फिर जाने वाला नहीं होता है, कभी वो हट नहीं सकता। उसी तरह टेम्पर्ड ग्लास भी काफ़ी सस्ता लोग यूज़ करते हैं, जिसके कारण मोबाइल के डिस्प्ले में स्केच हो जाता है, चलाने में प्रॉब्लम होती है, उतना स्मूथ वर्किंग सही नहीं कर पाता है, यूज सही नहीं होता है और रुक रुक के चलता है, फंसता होगा। आप लोगों ने ये नोटिस सेट किया होगा गाइस, और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम उसमें लोकल ग्लास टेम्पर्ड लगाने से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाइस मैं तो यही सलाह दूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि इस गिलास को एक बार लगा के देखें। आप 20,000 का अगर मोबाइल ले सकते हैं, 1,00,000 का आप मोबाइल ले सकते हैं, 50,000 का आप मोबाइल ले सकते हैं, तो 100-200 रुपया टेम्पर्ड गिलास लगा क्यों नहीं सकते हैं? आप ज़रूर लगा सकते हैं और बेटर से बेटर लगाइए। 10-20 रुपया नहीं देखिए, 10-20 रुपया बचाने के चक्कर में आपका 2-4 हज़ार का नुकसान हो सकता है। तो गाइस सोचना समझना फैसला आपका काम है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नए यूजर हैं हमारे चैनल से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं किए तो ऑन कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी अगर नहीं दबाएं तो दबा दीजिएगा। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो को नया कुछ ट्रिक अपडेट लेके, तब तक के लिए बाय बाय।